शांति, ओम शांति। हम सभी जब शरीर में आत्मा रहता है, जिस आधार पर हम कर्म करते हैं, आपको कल सेशन में कॉमिक अकाउंट का डीप क्लास किया जाएगा, लेकिन अभी थोड़ा आपको उसके बारे में मैं जानकारी देता हूं। इस संसार में दो भाग होता है, कर्म और कर्म का फल। जो क्रिया के रूप में होता है वो सब भी कर्म का फल है, जो भाव के रूप में होता है वो सब भी रिकॉर्ड कर्मा है। एक एग्जांपल दे दूं मैं, आप जब आपके घर में बहुत थककर सो गए, रात 11 12 1 बजे बज गया, आपका कोई या मित्र संबंधी उस समय आकर के दरवाजा खटखटाया, आप बहुत थकान से कुछ भी करने के कोई भी और सुविधा नहीं है, जा करके दरवाजा खोला, इस रात में कौन आया? आपका पुराना दोस्त और उसके साथ 5 लोग को लेके आ गए। तो आते ही आपने उसको सत्कार के रूप में मर्यादा पूर्वक बिठाया, वैसे ही आपने अपने एक रेस्पेक्ट या उनको कुछ ना कुछ मर्यादा से पूछना है कि हमारा कर्तव्य समझ करके, भाई जी या बहन जी आप भोजन करोगे? ऐसे चुपके पूछा, रात कितने बजा है? 1 बजे। तो उन्होंने बोला हाँ, कुछ है तो मुझे आप दीजिए। तो आप क्या कहते हो, अंदर गया पर किचन में रसोई घर में सब बाल्टी उठाया, कुछ भी नहीं, कान तान के लिए कुछ भी नहीं, सब तैयार करना है और चावल लिया, धान लिया, क्या क्या लेना लेना, एक बाहर से क्या हो रहा है, क्रिया हो रहा है और अंदर से एक भावना आ रही है। लोगों को कुछ कॉमन सेंस है, इतना रात को बिना बोल के आ गए, नहीं तो चुपके एक मर्यादा पूर्वक पूछा, लेकिन इन्होंने हाँ कर दिया। आते हैं एक तो उसके साथ 5 जने को लेकर गया, इन भूतों का खाने का समय है, इस समय भी खाने के लिए इसका मन लगता है, ये मनुष्य है या पशु है पता नहीं, टक 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 एक सीडी रिकॉर्ड होता है। इसको कहता है कर्म। वो लोग आया है वो कर्म नहीं, वो कर्म का फल। जो देखने में आता है विजिबल एक्शंस वो है कर्म फल, जो अंदर भावना इंटेंस इंटेंशंस ओपिनियंस अंदर चलते रहते हैं रिकॉर्ड, वो कर्म है। कोई आपके घर में जाने पहचाने वाले आपको बहुत जरूरी काम पे जाना है तो आ गए, तो अंदर आपका एक भावना क्रिएट हो जाते हैं, कब जाएगा, मुझे जाना है, कब जाना है, मैं जाएगा, बाहर पूछते हैं चाय कॉफी लेंगे और अंदर संकल्प करते हैं ना बोलो ना बोलो ना बोलो ना बोलो, क्या कर क्या कर। ये लोग कितना अच्छी से बोलता है पता है आपको, कोई भोजन के टाइम पर आता है ना, उधर आपको भोजन भी बनाने का मुश्किल नहीं लेना है, तो बोलते हाँ भोजन करके आ गए हो ना, आपका भोजन हो गया ना, पूछते भी नहीं भोजन करूंगा, क्या बोलते आप भोजन हो के आ गए, आपका आपका चाय पानी हो के आ गए होगा, इसका मतलब क्या है, अंदर का इंटेंशन क्या है, उनका डिमांड ना हो कि मुझे फिर करना पड़े, बहुत मर्यादा पूर्वक होते हैं ना ये सब, ये क्या है कर्मा। वो जो लोग आया है ना 5 जने आपके घर को खटखटा के, वो कर्मा नहीं, वो क्रिया, वो कर्म का रिटर्न्स, उसके पीछे आपका कर्म का बीज होता है, इसलिए वो ऋण मुक्त करने के लिए आपके पास आता है। लेकिन आपने क्या किया, पुराना अकाउंट को क्लियर करते करते नया अकाउंट बना दिया,
एक तरफ पुराना अकाउंट है उसको क्लियर कर रहे, क्योंकि भोजन उनको क्या करना है, आपको तैयारी करके उसको भोजन सर्व को करना है। ये तो कर्म का फल अकाउंट है, ये क्लियर हो रहा है। साथ साथ क्या करें, नया अकाउंट क्रिएट। इसीलिए बाबा कहते कर्मों का गुह्यता को जानो। सुनाए मुरली ने, बच्चे कर्मों की गुह्यता बहुत गुह्य है, इसको जानो। हम क्या समझते हैं, खाना पीना सोना बनाना, इसको कर्म कहते हैं। लेकिन कर्म दर्शन ये बताता है ये सब क्रिया है, यानी कर्म का फल। वो कर्म का फल भोगते समय अंदर जो घुस जाता है, अंदर जो इंटेंशन क्रिएट हो जाता है, उसको क्या कहा जाता है, समझ में आए, समझ में आए।